नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, गणपति पुले में आपका एक बार फिर स्वागत है। नाश्ता तो आपने हमारे साथ कर लिया और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, लंच भी हम आपके साथ करेंगे एक नई जगह पर। तो जब हम नाश्ता करने गए, हमने वहाँ लोकल से कुछ पूछताछ की कि भैया वेज और नॉन वेज ऐसी जगह कौन सी है। तो एक ही नाम सबके मुँह पर आया जहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ही खाना बहुत अच्छा मिलता है और टूरिस्ट और लोकल्स दोनों में पॉपुलर है। तो भैया लता जी तो वेजिटेरियन हैं, तो लता जी की ख्वाहिश का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। तो ज़्यादा करके हम ऐसे रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जहाँ पर वेज भी अच्छा मिले, लता जी खुश, नॉनवेज भी अच्छा मिले, हम भी खुश। तो गणपति पुले में भी हमने एक ऐसी ही जगह ढूंढ ली है, छोटा सा रेस्टोरेंट है और बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम है, जी हाँ, होटल समीर। तो देखिए हमारी गाड़ी पहुँच गई है होटल समीर, नन्ना मुन्ना साथी हमारे साथ है, आप भी आइए समीर में और हमारे साथ खाने का मजा लीजिए। तो देखिए जैसा कि छोटे छोटे शहरों में होता है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, प्यारे से रेस्टोरेंट होते हैं, सिंपल होते हैं, बिल्कुल कुछ फैशन नहीं, शोशा नहीं, खाना भी सिंपल। देखिए यहाँ का मेनू कार्ड भी सिंपल, एकदम साधारण, कुछ वेजिटेरियन डिशेज, कुछ फिश की डिशेज, कुछ चिकन की डिशेज और महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा पॉपुलर थाली। और देखिए जब भी किसी छोटे शहर में जाएँ तो उस रेस्टोरेंट की पहचान है वहाँ के लोकल्स। अगर आपको लोकल ज़्यादा दिखे ना किसी भी रेस्टोरेंट में, इसका मतलब यहाँ का खाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोकल्स वहीं जाएंगे जहाँ पर खाना अच्छा मिलता है। तो ऐसी ही तलाश में हम भी आ गए समीर और हमने भी कर दिया अपना भोजन ऑर्डर। और लता जी की फेवरेट वेज थाली जो कि ये कभी नहीं छोड़ती पहुँच गई है टेबल पर। हमने मंगाई है सूखा चिकन थाली और नन्हे मुन्ने साथी ने मंगाई है चिकन करी थाली। सैनिटाइज हम हो चुके हैं और कोस्टल टाउन है तो कोस्टल फूड तो आना चाहिए। तो हमने साथ में मंगाई है प्रॉन्स सूखा फ्राई जो यहाँ की स्पेशलिटी है। तो चलिए एक एक डिश अब हम टेस्ट करते हैं और आपके साथ इसका स्वाद शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं सूखा चिकन जो कि मालवणी स्टाइल कोस्टल स्टाइल में बना हुआ है। हाँ अच्छा तो है, साथ में इसकी ग्रेवी भी टेस्ट करेंगे। कैसी लगी भाई? अच्छी है? हाँ हाँ शक्ल से तो लग रहा है कि अच्छी है। अब प्रॉन्स भी टेस्ट करके बताएं आपको और फिर हम आपको इस खाने की खासियत बताएंगे। देखिए प्रॉन्स कितने सॉफ्ट हैं, आराम से टूट रहे हैं और कोस्टल टाउन के प्रॉन्स की तो बात ही कुछ ऐसी है कि भैया मज़ा ही आ जाता है। तो इस खाने के बारे में आपको बताएं, बहुत ही सिंपल है, फ्लेवर सारे हैं लेकिन बहुत ही माइल्ड है। ऐसा लगता है कि हमने अपने घर पर ही बनाया हुआ है, जिसमें हम तेल कम डालते हैं, मिर्च कम डालते हैं ताकि बच्चे भी आराम से खा सकें। तो बहुत ही सिंपल होमली फूड है। अब लता जी अपनी वेज थाली में से गोभी, आलू गोभी की जो सब्जी है वो खाकर हमें बताएंगी। बताइए लता जी। वेरी नाइस बोल दिया, यानी कि बहुत अच्छा लगा। तो जैसे जैसे हम खाना खाते जाएंगे वैसे वैसे इसका स्वाद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है और हम यकीन से कह सकते हैं कि आपका भी वही हाल होगा। तो लता जी अब जरा उसल खाकर बताइए ये आपको कैसा लगा। लग तो बड़ा फ्लेवरफुल है। हाँ बिल्कुल बढ़िया, वाह अमेजिंग। तो इसने तो शायद आलू गोभी की सब्जी को भी बीट कर दिया है। तो दोस्तों हम एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना, हमारे नन्हे मुन्ने साथी भी एंजॉय कर रहे हैं। फ्लेवर्स जैसे कि हमने कहा बहुत ही सिंपल है लेकिन इतना माइल्ड और इतना स्वाद है कि आपको क्या बताएं। अब नन्हे मुन्ने साथी का भी चिकन टेस्ट कर देखा जाए कैसा है। भैया आपका खाना कुछ तीखा स्पाइसी तो नहीं है? ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, तभी तो आराम से खा रहे हैं, वरना अब तक ये पूरा रेस्टोरेंट सर पे उठा चुके होते। और स्पाइस नहीं था इसलिए हरी मिर्च तो मंगानी पड़ी, तो हरी मिर्च के साथ इस खाने का स्वाद हो गया दुगना। देखिए कितनी फ्लेवरफुल थाली लग रही है, चावल है उसमें, करी है, चिकन है, प्याज है, हरी मिर्च तो हमने मंगाई ली है, सोल कड़ी है। और जब इतना सारा आप खाना खाओ तो सोल कड़ी तो हाजमे के लिए पीनी ही पड़ती है, गटक लो भाई। तो ये गई सोल कड़ी, कटक ली हमने और हमें मज़ा आया समीर में लंच कर। तो गणपति पुले आइए और समीर में ज़रूर लंच कीजिए, वेज का भी मज़ा आ जाएगा और नॉन वेज का भी। तो जब तक हम आपसे अगली जगह पर नहीं मिलते तब तक हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और हमारा चैनल देखते रहिए। तो तब तक क्या करेंगे आप, बस खाइए पीजिए ऐश कीजिए।